डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माई ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस. आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है. लिटरेचर एंड लैंग्वेज बुक 1 BA पार्ट 1 सेमिस्टर 1 के लिए आज मैं एक्सटेंडेड ग्रामर पेज नंबर 35 और 36 की डिस्कस करने जा रहा हूँ. और द लेसन इज जनरेशन गैप. तो जनरेशन गैप की जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें पेज नंबर 35 और 36 पे जो ग्रामर है इस वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा. तो चलते हैं पेज नंबर 35 एंड 36. टॉपिक इज एडजेक्टिव. क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. क्वालिफाइंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहा जाता है. एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये विशेषण, जैसे हिंदी में होते हैं विशेषण, तो ये इंग्लिश में एडजेक्टिव्स होते हैं. जब डी के बाद जा साउंड आती है तो डा साउंड को नहीं बोलते, जा को बोलते हैं एडजेक्टिव. दिस इज नॉट एडजेक्टिव, द वर्ड इज एडजेक्टिव. एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, नॉट एडजॉइनिंग. ओके, जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन के मीनिंग में या प्रोनाउन के मीनिंग में एडिशन या डिलीशन करते हैं, दोज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. मॉडिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. द वर्ड्स दैट मॉडिफाई सम नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में एडजेक्टिव्स बढ़ोतरी करते हैं या फिर थोड़ा डिलीशन, इस सेंस में कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव बातें बता रहे हैं, जैसे वो बड़ा ग्रीडी है, ही इज वेरी मीन फेलो, मीन कमीना टाइप का है, उसके व्यक्तित्व में से थोड़ा डिलीशन है, उसकी नेगेटिव बातें. तो ब्रॉडर सेंस में वी कैन से क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. वह इंटेलिजेंट गर्ल है. कैसी है? इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव. इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ. ही इज वेरी ग्रीडी. वह बहुत लालची है. कैसा है वह? ही, ये प्रोनाउन है, तो यहाँ शी को क्वालिफाई किया इंटेलिजेंट ने, और यहाँ पे ही को क्वालिफाई क्या कर रहे हैं? ग्रीडी. ग्रीडी वर्ड इज क्वालिफाइंग ही, मीनिंग ही कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कोई स्पीकर, कोई बोलने वाला ये बता रहा है कि वो बहुत ही लालची है. कैसा है वो? उसके व्यक्तित्व की जो गुण है उसका बता रहे हैं, हालांकि ये नेगेटिव पॉइंट है, ग्रीडी है. ही गेव मी सेवरल बुक्स. सेवरल डिटर्मिनर है. डिटर्मिनर सारे एडजेक्टिव्स ही होते हैं. एडजेक्टिव कब बनते हैं? डिटर्मिनर. किसी नाउन के सामने जो भी वर्ड्स आते हैं इस तरह के क्वालिफाइंग वर्ड्स, वो डिटर्मिनर्स होते हैं या एडजेक्टिव्स भी कहा जा सकता है उन्हें. तो सेवरल मीन्स कहीं, तो दिस इज एडजेक्टिव. तो जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव्स नाउन के सामने नहीं आते, जैसे यहाँ गर्ल है इंटेलिजेंट, इसके सामने आ गया, तो प्रेडिकेटिवली भी एडजेक्टिव आते हैं, जैसे ही इज वेरी ग्रीडी, तो ये ही को क्वालिफाई कर रहा है. जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो काफी दूर है, स्टार्ट में ही है सब्जेक्ट. ही गेम इज सेवरल, यहाँ पास है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. ये बुक में आपको दिए हुए हैं, आप बुक में इनको पढ़ सकते हैं. फर्स्ट काइंड इज डिस्कस्ड हियर, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और टेंथ है एम्फैटिक एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. जो ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन को एम्फसाइज करते हैं, उसके मीनिंग पे बल देके कुछ कहते हैं. लेट्स बिगिन विद प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव्स लेते हैं. ये एडजेक्टिव्स आपकी बुक्स में हैं. सच एडजेक्टिव्स आर मेड बाय यूजिंग प्रॉपर नाउन्स. ऐसे एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन्स को यूज करके बनाए जाते हैं. लाइक ए प्रॉपर नाउन, दे आल्सो बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. और प्रॉपर नाउन की तरह ही ये एडजेक्टिव्स कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं. जैसे अमेरिकन लिटरेचर यहाँ पे है, आई एम स्टडिंग अमेरिकन लिटरेचर, तो ये अमेरिका से बना, प्रॉपर नाउन से ये एडजेक्टिव बना, तो ए कैपिटल लिखी जाएगी स्मॉल. I have already studied Petrarchan sonnets. पेट्रार्कन एडजेक्टिव है, पेट्रार्क के नाम से बना है. पेट्रार्कन सोनेट्स काफी फेमस हुए मेटाफिजिकल पोइट्री में भी, उससे पहले भी. तो वी आर प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन ये क्या है? सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं. इन्हें क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सेकंड टाइप इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द नेगेटिव और द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट ए थिंग एन आइडिया और ए पर्सन. इस तरह के एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, भले
भले ही वो पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव बात हो, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी विचार के बारे में वो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्राइब करते हैं ये शब्द, ये एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं किसी जगह को, किसी आइडिया को या किसी व्यक्ति को विशेष को। ग्रीन कलर, यहाँ कलर कैसा है, ग्रीन। टिमिड चाइल्ड, टिमिड मीन्स डरपोक, बच्चा कैसा है, डरपोक। वाइज ओल्ड मैन, ओल्ड मैन कैसा है, वाइज। टिमिड नेगेटिव क्वालिटी है और ग्रीन पॉजिटिव है और वाइज भी पॉजिटिव क्वालिटी है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स थर्ड टाइप है। बाय दीज एडजेक्टिव्स वी कम टू नो अबाउट द क्वांटिटी और डिग्री। यहाँ पे ऐसे एडजेक्टिव से हमें किसी भी वस्तु की क्वांटिटी का पता लगता है, किसी भी भाव की डिग्री का पता लगता है। यू मे फाइंड दीज एडजेक्टिव्स बाय आस्किंग द क्वेश्चन हाउ मच। अगर आपको ऐसे एडजेक्टिव्स को ढूंढना हो किसी सेंटेंस में तो हाउ मच अगर आप प्रश्न करो कि कितना, आपको आंसर मिल जाएगा। सम, मच, लेस, नो, नन, लिटल, अ लिटल, द लिटल, एनी, होल, सफिशिएंट, इनफ, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्वांटिटी बताते हैं कोई भी, जैसे सम वाटर, वाटर कितना, हाउ मच वाटर, सम, मच या लेस हो सकता है, राइट। अ लिटल, नॉलेज कैसा है, लिटल या अ लिटल, द लिटल भी यूज होता है जब क्लोज इसके सामने लगती है कोई, द लिटल, लिटल के बाद में कोई क्लोज हो, एडजेक्टिवल क्लोज हो तो द आ जाता है। देर इज सम वाटर इन द जग, सम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। शी इज डाउन विद फीवर, हर टेम्परेचर इज 102 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर की डिग्री को बताया गया है, 102 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, 102 डिग्री सेल्सियस, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स जिसमें नंबर होता है, वी यूज नंबर्स, नंबर वन ऑर्डिनल लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, और कार्डिनल नंबर होते हैं 1, 2, 3, इनका यूज होता है, दीज आर न्यूमरल एडजेक्टिव्स। फिफ्थ इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसमें डिमोन्स्ट्रेट करना, इशारा करना होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स भी होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, दोनों का अंतर मैं यहाँ बताऊंगा आपको। दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट टू ए थिंग और ए पर्सन, ये जो एडजेक्टिव्स हैं किसी व्यक्ति की तरफ, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दिस बुक, इशारा करके जब आप कहते हो दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है, अभी आपको एग्जांपल देते हैं। व्हाइल यूजिंग दिस, दीज, दैट, दोज, ये चार होते हैं, दिस और दीज ये नजदीकी शो करते हैं, दैट और दोज ये दूरी शो करते हैं, दिस सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, इसी तरह दैट इज सिंगुलर एंड दोज इज प्लूरल। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दे बिकम एडजेक्टिव्स when they are used in front of some noun, जब this, these, that, those ये noun से पहले आते हैं तब ये adjective बनते हैं, वरना ये pronoun होते हैं। जैसे this boy is very hard working, अब ये boy के सामने लगा तो ये adjective है, this is a very hard working boy, तो यहाँ this के बाद एकदम be type verb आ गई, इज एम आर वाजवर, ये प्रोनाउन होगा, किसी लड़के की तरफ इंडिकेट कर रहा है दिस, तो लड़के के लिए ये इंडिकेटिव है, तो दिस इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे एक डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। Each student was told to bring his documents. Each student, जैसे क्लास में 40 students हैं, तो जब टीचर ये यूज करता है, each student will bring his book, his or her book tomorrow, his or her book tomorrow, तो each means एक एक बच्चा टीचर के दिमाग में था, मतलब टीचर चाहता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी बुक लेके आए कल को। जनरल सेंस में ये भी कहा जा सकता था, ऑल स्टूडेंट्स विल ब्रिंग देयर बुक्स टुमारो, तो यहाँ पे एक जनरल सेंस में थी, यहाँ हो सकता है कुछ बच्चे शायद बुक को ना लाते, तो अगर यहाँ ये थोड़ा बल देगी, टीचर कहता है कि ईच स्टूडेंट विल ब्रिंग हिज बुक टुमारो, तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट वाज टोल्ड टू ब्रिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, तो प्रत्येक को कहा गया था, एक एक करके जैसे कहते हैं, एवरी पर्सन पर हिज पार्टी वाज गिवन ए रिस्ट वॉच, तो स्पीकर के माइंड में एक एक व्यक्ति है, तब ईच और एवरी यूज करते हैं, नाइदर आइदर यूज करते हैं। अगर ऑल एक जनरल सेंस में ज्यादा एक एक को ज्यादा महत्व ना दे तो इकट्ठा वन यूनिट में ऑल कहा जा सकता था। नाइदर ही नॉर यू आर एट फॉल्ट, ना तो वो ना तुम कसूरवार हो।
यहाँ पे बात चल रही है नाइदर की, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो आर आया है ये यू की वजह से आया है। जब नाइदर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं ही और यू, तो सेकंड वाले के साथ एग्री करता है, ये ही के साथ नहीं होगा। नाइदर ही नॉर यू इज एट फॉल्ट नहीं होगा, आर एट फॉल्ट। यू मे सिलेक्ट आइदर ऑफ दीज टू बुक्स, तुम इन दोनों बुक्स में से कोई भी पुस्तक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है उसमें से कोई भी। सेवंथ एडजेक्टिव इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दे प्रीसीड। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जिस नाउन के सामने वो आ रहे हैं उन्हीं को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। प्रीसीड करना, जैसे यहाँ बुक है तो एडजेक्टिव विच इज प्रीसीडिंग दिस बुक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ बुक, प्रीसीड करना सामने आना। विच बुक डू यू लाइक आउट ऑफ दीज, तो यहाँ पे विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है वैसे ही क्वालिफाई कर रहा है। हुज बुक इज दिस, हुज यहाँ क्वालिफाइंग है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे, देयरफॉर दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है बट दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। How much water do you drink daily? How much is interrogative adjective here? Question बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। Exclamatory adjectives, what, how से जब आप exclamatory sentence बनाते हो, जैसे how foolish you are, कितने कितने बेवकूफ हो तुम, तो बेवकूफ़ी को एक किस्म से वो मेजर करना चाहता है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है फुलिशनेस की, हाउ कितनी। वट ए पीस, यहाँ ए आएगा, वट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन के लिए एडजेक्टिव यूज किए गए, व्हाट और हाउ। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे प्रोनाउन कैटेगरी में आते हैं बट दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स दीज डेज, क्योंकि ये नाउन्स के सामने यूज होते हैं, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड टू बी एडजेक्टिव्स, इनको एडजेक्टिव्स माना जाता है। जैसे माई कार इज वेरी ओल्ड, कार के सामने माई आया तो एडजेक्टिव बन गया, और योर होज इज फार अवे फ्रॉम हियर, तो ये एडजेक्टिव है। देयर विलेज, विलेज के सामने आया तो देयर इज एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव टेंथ टाइप है, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज इन फ्रंट ऑफ नाउन्स टू एम्फसाइज ऑन द मीनिंग ऑफ द नाउन, नाउन के मीनिंग को एम्फसाइज करने के लिए, बल डालने के लिए मीनिंग पे यूज होते हैं। दे मॉडिफाई आर क्वालिफाई, फॉर एग्जाम्पल वेरी और ओन, ये एग्जाम्पल है, जैसे ही डिस्ट्रॉयड हिज ओन कार, उसने अपनी ही कार को, ओन मीन्स अपनी, तो यहाँ थोड़ा बल दिया गया। He is the very boy who stole your book yesterday. ये वही लड़का है जिसने कल तुम्हारी पुस्तक चुराई थी। I would see the place of crime with my own eyes. मैं क्राइम की जगह को अपनी आंखों से देखूंगा, मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज लूंगा, खुद जाके चेक करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड ग्रामर ऑन द पेजेस 35 एंड 36। मैंने 35 और 36 पेजेस की ग्रामर खत्म कर दी है, और आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।